तो एक बार फिर से मैं लॉगिन के आयरन के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे को लगता है वो आयरन के ऊपर नहीं है। और भाई इसके पास तो गास्ट मिनियंस भी हैं। ये कुत्ते तेरे को पता है कि गास्ट मिनियन कैसे लेते हैं? अरे भाई ये तो और आर्मर भी हो चुके हैं। कितने आर्मर है इसके पास? तो लास्ट टाइम गाइस सुपीरियर आर्मर इस दरवाजे के अंदर था। मैं दरवाजे के अंदर देख लेता हूँ। भागो भाई, यहाँ क्या कर रहा है? मैं चेक कर रहा हूँ तेरा आयरन। यार मेरे को लगा था कि वो स्कीम एकदम से काम करेगी यार, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बारी यूज करते हैं बंदर के टोटके। सुनो 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 लॉबी वालों, सुनो ध्यान से सुनो। मैं हूँ चुपाती और मैंने एक नया बैंक अकाउंट खोल कर रखा है, जिसके अंदर अगर आप 50 मिलियन डालोगे तो 2 घंटे के अंदर पैसा डबल। पैसा डबल वाली स्कीम जो है हमेशा काम करती है। अभी ये सारे भाग गए। अरे बैंक वाले मुंह, मेरे को अपना बैलेंस बताइयो। अरे भाई साहब 40 मिलियन कॉइंस मेरे पास आ चुकी हैं। तो गाइस लिटरली 10 मिलियन कॉइंस मेरे को इस वीडियो में चाहिए, तभी हम जाके सुपीरियर आर्मर ले सकते हैं। लेट्स डू दिस। अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस कि थोड़े बहुत टिंडे जो हैं, जो पेठे पंपकिन जो हैं, थोड़े बहुत हार्वेस्ट किए जाएं, क्योंकि पंपकिन की वैल्यू जो है बाजार के अंदर एकदम से बढ़ चुकी है। तोड़ो 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 पंपकिन तोड़ो 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 तोड़ो। हे हैंग ऑन अ मिनट, इसके ऊपर लगा क्या है? मैं पागलगिरी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इस एक्स के ऊपर फॉर्चून 3 लगाऊं। ये आइडिया एकदम से मस्त होगा। तो फॉर्चून 3 की किताब बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले गोल्ड वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को बनानी पड़ेगी फॉर्चून 2, जिसके लिए मेरे को चाहिए 2 एन्चेंटेड गोल्ड इंगट्स और साथ में पेपर। 2 गोल्ड के इंगट तो मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेपर बना लेते हैं बहुत सारा। इसको फिर हमने ऐसे रखना है और बीच में हमने रखना है 2 आयरन के इंगट, और ये रही हमारी फॉर्चून 2 की किताब। मैं काम करता हूँ, एक और बना लेता हूँ। हेलो माइनक्राफ्ट के वासी हूँ, एक बार फिर से मैं हब के अंदर आ चुका हूँ, और किताब को कंबाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा रिफ्रोजर के पास। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को रखनी है फॉर्चून की 2, फिर ये अभी मेरे को मिलेगी फॉर्चून 3 एपिक। इसके ऊपर मुझे पिकैक्स लगानी है। कहाँ पे गई मेरी पिकैक्स? और अभी तो ये लग भी नहीं रही यार। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि ये हाईपिक्सल वालों की पक्की चाल है। वो नहीं चाहते कि मेरे पास 50 मिलियन कॉइन्स आए, लेकिन उनको पता नहीं है भले मेरे को आज सब कुछ बेचना क्यों ना पड़े। लिटरली मैंने एक एक चीज बेच देनी है जब तक मेरे पास यहाँ पर 50 मिलियन कॉइन्स मेरी जेब में नहीं आते। अभी मुझे बनाना है इन पंपकिंस का एन्चेंटेड पंपकिन, जिनकी बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू। तो एक बना लो, दूसरे बना लो, तीसरा, बस सिर्फ 10 ही बने। चाचू अजी कैसे हो? कैसे हो भाई, मेरे को सही दाम दियो प्लीज, सही दाम दे दे। 6,000? अरे तो कोई शर्म आनी चाहिए, 6,000 मेरे को दे रहा है? इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ 6,000 मेरे को मिले? निकाल भाई सारी बर्फ निकाल दे। ऑब्सिडियन, बब 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 बब, क्या बात है ऑब्सिडियन वाले मुंह, तो कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक वाला माल जो है मेरे को लगता है बर्फ वाले मंगलूस देंगे। ओ भाई कितने सारे डायमंड्स, तू वहां का अकेले बैठा हुआ। ओ मैन कितने सारे चीजें मेरे को यहां पे मिल रही हैं। अभी गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। N1, N2, N3, यो मैन कितनी सारी बर्फ मेरे पास आ चुकी है। मैं तो लिटरली मालामाल होने वाला हूँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। चाचू एक बार फिर से तेरा स्वागत है, तेरे पास इतने पैसे होंगे मेरे को देने के लिए? चल भाई सारी बर्फ मैंने एक ही 1 मिलियन। ओह माय गॉड, बिल्कुल 1 मिलियन। अभी मेरे पास इतनी बर्फ और भी है तो मैं वो भी लेके आता हूँ। आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये ले भाई और ले, और ले, कम ऑन 1 मिलियन और 1 मिलियन। ओ भाई आई एम सो एपिक। अभी अगर मैं बैंक बैलेंस अपना चेक करूँ तो मेरे पास कितने आ गए? 42 मिलियन। ब्रो मेरे को 8 मिलियन और चाहिए आर्मर लेने के लिए। कम ऑन, वी कैन डू दिस गाइस। और अभी गाइस बारी आती है हमारे डायमंड मंगलू की। ओ माय गॉडनेस, अगर गाइस इतने सारे डायमंड बेचूंगा ना तो मेरे को लगता है मैंने तो भाई मैंने सुपीरियर आर्मर के चाचे खरीद लेने हैं। बनाओ बनाओ ब्लॉक्स, बनाओ ब्लॉक्स, बनाओ ब्लॉक्स, बनाओ। यस 10 ब्लॉक्स बन चुके हैं। डायमंड निकालो, डायमंड निकालो, डायमंड निकालो, और ब्लॉक्स बनाओ, और ब्लॉक्स बनाओ, और ब्लॉक्स। भाई साहब 20 ब्लॉक्स, मैन आई एम गोना बी सुपर रिच भाई। 33 ब्लॉक्स मेरे पास और रेडी यहाँ पे पड़ी हुई है। भाई साहब मैं फिर से आ रहा हूँ, उसको अकेला छोड़ दो। ए निकलो निकलो निकलो, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी डील मार रहे हैं, निकलो यहाँ से। कोई सुपीरियर आर्मर वाला बंदा, हाँ तू यही पे रहा, तू तू मेरा फ्रेंड है। ओके तो सबसे पहले मुझे ये नॉर्मल डायमंड बेचने हैं, तो ये बिक रहे हैं 100,000 के। अगर मैं ये बेचूं तो 11 मिलियन। अरे भाई थैंक यू सो मच ब्रो। गाइस प्लीज इस बंदे के लिए सबने एक बारी सब्सक्राइब तो दबाना ही दबाना है। राइट, अगर मैं अपना भाई बैंक बैलेंस देखूं तो मेरे पास टोटल आ चुके हैं 54 मिलियन। यस अभी सुपीरियर आर्मर में आ रहा हूँ, और सुपीरियर आर्मर लेने के लिए 2 ऑप्शन है। एक मैं ऑक्शन से ले सकता हूँ। भाई साहब जूते कितने के हैं? 11 मिलियन के। हेलमेट कितने का?
13 मिलियन का, 17 मिलियन की लेगिंग्स, और फाइनली आता चेस प्लेट जिसकी कीमत है 21 मिलियन। तो टोटल मिला के हो गए हमारे नियरली 65 to 70 मिलियन। इतनी महंगाई तुम लोगों ने कर दिया यार हाईपिक्सल के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी हमें इतनी जल्दी हार नहीं बांधनी चाहिए। बाजार से मैं फ्रैग्स ले सकता हूँ। गाइस हाउ मेनी फ्रैग्स आई नीड फॉर सुपीरियर आर्मर? ओ भाई साहब 240 फ्रैग्स मेरे को चाहिए सुपीरियर आर्मर खरीदने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तो एक सुपीरियर फ्रैग की कीमत है 259,000। तो 259,000 टाइम्स 240 इक्वल्स 63 मिलियन कॉइंस। मारो मेरे को मारो, मैं पागल था तो यहाँ पे आया, मैं पागल। बैंक वाले तू आज मेरे को मार, मैंने आज तेरे से ही मार खाने, मेरे को मार प्लीज। मंगलुओ मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, किसी ने कुछ भी नहीं करना, सब ने सिर्फ डायमंड्स माइन करने हैं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हल्की हल्की मेरे को बर्फ भी चाहिए और हल्का हल्का ऑब्सीडियन भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई साहब लॉगी फिर से आ गया। ए लॉगी भाई कैसे हो भाई, मेरे को प्लीज सुपीरियर खरीदना है 50 मिलियन का। हाँ तेरे पास, मेरे पास 50 मिलियन है, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मैं तेरे को 50 मिलियन तेरे मुंह पे मारता हूँ, आ जा। अरे भाई उसकी प्राइस अभी 70 मिलियन हो गई है। हाँ मेरे को पता है, अभी यहाँ पे अचार लेने आया, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, चल भाग यहाँ से। हेल्प करने आया हूँ भाई। अब क्या हेल्प करेगा यार, सब कुछ लूट के। मैं आपको बताता हूँ, वो जो बारटेंडर है और वो वाइकिंग वाला, हाँ आप उसकी हेल्प करो तो चमत्कार होगा। चमत्कार होगा? क्या चमत्कार हो? ए रुक रुक रुक, बात पूरी होने दे यार। वैसे मैंने वाइकिंग के बारे में और बार टेंडर के बारे में सुना था, तो मैं जाके उनकी हेल्प करता हूँ और देखता हूँ कि क्या चमत्कार मेरे साथ होता है। और मेरे को यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पर एक बंदा रहता है, वो है वाइकिंग। तो ये है समंदर से भाग के आया, वो यहाँ पे फंस चुका है। ए, ए, अंदर आने से पहले दरवाजे पर नॉक तो कर लो। नॉक नॉक, वाइकिंग जी पहले दरवाजे पर। ये पागल इंसान है, पहले अंदर घुस चुके हैं। और बदतमीज जो घर के अंदर पहले वेट करते हैं ताकि घर के प्रधानमंत्री हमें अंदर तो आने देना। वाइकिंग जी सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव नमस्ते हमारी तरफ से, और वाइकिंग जी सबसे पहले जय हो आपकी भी। लेकिन मैं इसकी वाइकिंग की जय हो कर रहा हूँ, मेरे को खुश नजर नहीं आ रहा। वाइकिंग भाई प्रॉब्लम क्या है तेरे को? क्लिक करूँ तो क्या कह रहा है? आई सॉ द सी 10 ईयर्स अगो, तो 10 साल से यहाँ पे फंसा हुआ है। अरे तेरे को अपने समंदर जाना चाहिए, वो देख बिल्कुल सामने। अच्छा समंदर तो है नहीं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना समंदरी हालात यहाँ पर क्रिएट किए जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका फर्नेस पड़ा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ फर्नेस के अंदर एक फिश डालता हूँ, तो फिश की खुशबू भी यहाँ पे आनी चाहिए ताकि इसको पता लगे कि हम समंदर में हैं। यहाँ पे पानी डाल देता हूँ समंदर वाला, और मैं पूरा आपको पता है कि यहाँ पे समंदरी हैट भी बना सकता हूँ फिश वाली। तो मैं फिश वाली हैट पहन के यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि इसको लगे कि ये बिल्कुल समंदर के पास है। तो भाई भाई तू टेंशन मत कर, तेरी हम पूरी मुरादें पूरी कर देंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करियो। तो इसको रखो ऐसे, और इसी के साथ ही मेरी बननी चाहिए फिश हैट। क्या बात है, तो क्या मैं पहन सकता हूँ फिश हैट? ओ यस, अरे भाई मैं तो एकदम से मछली बन चुका हूँ। नाइस। ओ अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो डुबकी की भी आवाज आती है, एकदम मछली जैसी फीलिंग मेरे को आ रही है। क्या बात है यार। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से मैजिकल वाटर बकेट भी ले लेता हूँ जिसके अंदर से पानी कभी खत्म भी नहीं होता, तो ये हमारी बहुत हेल्प करेगा वहाँ पर। आ रहा हूँ भाई गवर्नर साहब, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये देख मैंने मछली की टोपी पहन के रखी है, और वो खुश हो रहा है। नाइस, क्या बात है, उसको मजा आ रहा है। तो काम कर, अरे मछली यहाँ पे पक रही है। ओह क्या खुशबू आ रही है पानी की। अगर मैं काम करूं, अगर मैं पानी की बकेट यहाँ पे डालूं तो अबे डाल ले। ओरे डाल दी। ओ नाइस, मुझे लगता है मुझे भी इसके सामने डांस करना पड़ेगा। तो बजाओ ढोल बजाओ। ओ भाई ये गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अच्छा तूने अपनी दुकान खोल कर रखी है अंदर, मेरे को लगा तुझे हेल्प चाहिए होगी। खड़ूस कहीं के चालाकियां करता है मेरे साथ, सस्ता सामान बेचने की कोशिश कर रहा है मेरे ऊपर। मुझे लगा कि इसको मैं खींच के समंदर के अंदर लेके जाऊंगा और मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन इस घोंचुनी तो अंदर अपनी दुकान खोल कर रखी हुई है। वैसे तेरी दुकान के अंदर है क्या? 40 मतलब 4 लाख की किताबें बेच रहा है। ये भी ले। और गाइस अभी हमें फाइनली हमें इस बार टेंडर की हेल्प करनी है ज़ॉम्बी से। तो हर रोज ज़ॉम्बी इसके ऊपर अटैक करते हैं और बिल्कुल गंदी बात है, उसका सामान लेके भाग जाते हैं, और अभी हमें ज़ॉम्बीज को मारना है। तू भी लिखा है बेकसूर बिजनेसमैन पर तुम लोग हमला कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और 3-4 यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये ले तू भी ले भाई, तू भी ले, एक कम से सारे मार दो, सबको मार दो। हमारे बिच्छू कंग के बंदे जो हैं हमारे जो, अरे ये वाला तो कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ हाँ आराम से, आखिर ज़ॉम्बीज भी इंसान होते हैं, आराम से मारा कर ज़ॉम्बीज को। सारे ज़ॉम्बीज, एक ज़ॉम्बी पर यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। सारे जो पेड़ के पीछे छुप रहा भाई साहब, वो तेरी पेड़ के पीछे छुप के हाइड एंड सीक खेल रहा। तेरी मैं हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश कर रहा, तेरे को पता नहीं है कि मेरे पास कितने लंबे लंबे गुंडे आ चुके हैं यहाँ पर। तो हमारा बार टेंडर अभी सेफ हो चुका है। हाँ भाई कैसे हो, चल कॉफी पिलाना मेरे को यार। कितने 1000 रुपए की, तेरी मैं सबसे पहले इसको मारो,
सबसे पहले तेरी में कॉफी लूट रहा है, एक तो तेरी जान बचा ऊपर से हमको लूट रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चल कॉफी वाले की भी जय हो, वो पहले लिख रहा है जय हो चार्ट रूम में। जय हो कॉफी वाले की, जय हो। तो गाइस मैंने वाइकिंग की हेल्प भी कर दी है, मुझे बहुत मजा आया वाइकिंग की हेल्प करते हुए, और मैंने बार की हेल्प भी कर दी, उसको जॉम्बी से मैंने बचा लिया। अब लॉगी ने बोल था कि मेरे साथ चमत्कार होगा, पता नहीं क्या चमत्कार होगा, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है क्या होने वाला। ये मैं कहां पे आ गया? तू कहां से आ गया यहां पर? ए भाई!